आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं वीपीएन क्या होता है, वीपीएन का यूज क्यों और कैसे किया जाता है, क्या वीपीएन को यूज करना सेफ रहता है, वीपीएन को यूज करने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और फ्री वीपीएन वर्सेस पेड वीपीएन के अंदर क्या अंतर है, और अभी पबजी मोबाइल बैन हो चुकी है, टिकटॉक बैन हो चुकी है, क्या हम इनको वीपीएन से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर वीपीएन के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं वीपीएन का मतलब क्या होता है। गाइस, वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये आपके लिए एक सिक्योर कनेक्शन क्रिएट करता है। अगर आप किसी पब्लिक वाईफाई को यूज कर रहे हो या फिर किसी ऐसी वेबसाइट या फिर ऐप को यूज कर रहे हो जिससे आपको लगता है आपका डेटा हैक हो सकता है या फिर आप सेफ नहीं हो, तो यहाँ पर आप वीपीएन का यूज कर सकते हैं ताकि ये आपको एक सिक्योरिटी लेयर दे। साथ ही में वीपीएन का यूज आप तब कर सकते हो जब आपके एरिया के अंदर कोई वेबसाइट को बैन कर दिया गया है, तो आप वीपीएन की मदद से उसको एक्सेस कर सकते हो। आप भी वीपीएन का यूज कर सकते हो, काफी सारे लोग इसका यूज करते हैं। अब जानते हैं इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, पेड वीपीएन या फिर फ्री वीपीएन आपको कौन सा यूज करना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं वीपीएन यूज करने के नुकसान क्या होते हैं। गाइस, जो वीपीएन यूज करने के नुकसान होते हैं वो मोस्टली फ्री वीपीएन के अंदर ही होते हैं, तो फ्री वीपीएन यूज करने के भी काफी सारे नुकसान है। गाइस, फ्री वीपीएन यूज करने या फिर वीपीएन को यूज करने के जो नुकसान है उसके अंदर जो सबसे पहला है, गाइस, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए कई बार ठीक नहीं होते हैं। अगर आप कोई फ्री वीपीएन का यूज करते हैं तो उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा कम सिक्योरिटी देखने को मिलती है, और काफ़ी सारे ऐसे वीपीएन होते हैं जो फ्री होते हैं बट उनके अंदर वो सिक्योर नहीं होते हैं, काफ़ी सारे के अंदर मालवेयर। तो ऐसे आपको पेड वीपीएन यूज करने चाहिए क्योंकि उनके अंदर आपको ज़्यादा सिक्योरिटी देखने को मिलती है। कई बार लोग फ्री के लालच के अंदर ऐसे वीपीएन का यूज कर लेते हैं जिनके अंदर मालवेयर होता है, और गाइस वो उनके सिस्टम के लिए ठीक नहीं होते हैं। काफ़ी सारे वीपीएन ऐसे होते हैं जो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं, आप अपने फ़ोन के अंदर क्या कर रहे हो या फिर आप अपने सिस्टम के अंदर क्या कर रहे हो, ये मोस्टली काफ़ी सारे फ्री वीपीएन के साथ होता है। और काफ़ी सारे ऐसे वीपीएन होते हैं जो कि सेफ नहीं होते, काफ़ी सारे लोगों को उनकी जानकारी नहीं होती है तो वो उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। गाइस, आपको ध्यान रखना चाहिए या फिर आपको अच्छे से उनका पूरा रिव्यू देखना चाहिए, उनकी पूरी रिसर्च कर लेनी चाहिए कि इसका क्या इतिहास है, ये सेफ है या फिर नहीं है, तो ही आपको उसका यूज करना चाहिए। गाइस, काफी सारे ऐसे वीपीएन होते हैं जिसके साथ आपको डेटा की लिमिट मिलती है, ये मोस्टली फ्री वीपीएन के साथ होता है, और ऐसे भी काफी सारे और वीपीएन आते हैं। अगर आप वीपीएन का यूज करते हो तो वहां पर आप सिर्फ कम ही डेटा का यूज कर पाओगे, आप ऐसा नहीं है कि आपके पास जितना इंटरनेट है आप उतना ही यूज कर पाओगे, तो यहाँ पर डेटा की लिमिट हो जाती है, इसके लिए आपको कोई पेड वीपीएन को परचेज करना पड़े। वीपीएन यूज करने का जो नेक्स्ट नुकसान है वो ये है कि काफी सारे ऐसे वीपीएन होते हैं जो आपके इंटरनेट की स्पीड को कम कर देते हैं, ये ऐसा मोस्टली फ्री प्लान्स के अंदर होता है। काफी सारे पेड प्लान्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको अच्छी स्पीड मिल जाती है बट वहां पर भी आपको लिमिट देखने को मिल जाती है, तो इस फ्री वीपीएन आपकी स्पीड को कम कर सकते हैं। वीपीएन यूज करने का जो नेक्स्ट नुकसान है वो ये है कि काफी सारे ऐसे वीपीएन होते हैं जो आपको एड्स दिखाना शुरू कर देते हैं, ऐसा मोस्टली फ्री वीपीएन के साथ ही होता है। अगर आप बिना एड्स का यूज करना चाहते हो तो आप पेड वीपीएन का यूज कर सकते हो। गाइस, वीपीएन को यूज करने के फायदे क्या हैं। गाइस, वीपीएन आपको एक सिक्योरिटी लेयर प्रदान करता है। अगर आपके एरिया के अंदर कोई वेबसाइट या फिर ऐप को बैन कर दिया गया है तो कई बार आप उस वीपीएन की मदद से उसको एक्सेस कर पाएंगे, तो यहाँ पर इसको यूज करने के काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। अगर आपको लगता है आपके बस स्टैंड के ऊपर या फिर रेलवे स्टेशन के अंदर जो वाईफाई लगा है वो सेफ नहीं है, तो यहाँ पर आप वीपीएन का यूज कर सकते हैं ताकि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो उसके पास ना जाए और आपका एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट हो जाए और आपको एक सिक्योर कनेक्शन देखने को मिले। गाइस, आप किसी वेबसाइट या फिर ऐप को एक्सेस कर रहे हैं तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं, और भी यहाँ पर वीपीएन के यूज करने के काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। अगर आप पेड वीपीएन का यूज करते हैं तो इसको यूज करने के आपको काफ़ी ज़्यादा फायदे देखने को मिल जाते हैं, ये आपको सिक्योरिटी भी देता है। बट गाइस, जो फ्री वीपीएन होते हैं उनके अंदर आपको लिमिटेड चीज़ें देखने को मिलती है और वो ज़्यादा सेफ भी नहीं होते हैं। गाइस, आप जानते हैं कि पबजी मोबाइल या फिर टिकटॉक को क्या वीपीएन की मदद से चालू कर सकते हो। गाइस, टिकटॉक को और पबजी मोबाइल को आप वीपीएन से भी अब नहीं खेल पाओगे। अगर आप टिकटॉक को ऑन करके देखोगे वीपीएन से तो आप उसका यूज नहीं कर पाओगे। गाइस, टिकटॉक को और पबजी को बैन कर दिया गया है इंडिया के अंदर, तो आप इसको अब नहीं खेल सकते हो। तो इस पबजी के लिए या फिर टिकटॉक के लिए काफ़ी ज़रा और अल्टरनेटिव ऐप्स आपको देखने को मिल जाएगी। अभी पबजी के लिए एक और ऐप आने वाली है जो कि इंडियन होने वाली है, जिसका नाम है 4G। इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। टिकटॉक के ऊपर भी काफी सारे और अल्टरनेटिव्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर गवर्नमेंट ने किसी गेम या फिर ऐप को पूरा जैम कर दिया है, पूरा उसको ब्लॉक कर दिया है, तो आप उसका यूज वीपीएन से भी नहीं कर सकते हो। तो ऐसे था वीपीएन, इसके बारे में पूरी जानकारी। आप कमेंट करके कुछ और पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।